हेलो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रीगेशंस के मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंट्रीगेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो x माइनस एक्स क्यूब, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फर्दर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक किया जा सकता है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डी एक्स पे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो लेट 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको हमने लिख लिया ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर आप इस पे एलसीएम ले लेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की, प्लस बी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स और 1 प्लस एक्स, और प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स और 1 माइनस एक्स, और पूरे के अपॉन में एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो जब आप इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे ये पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मीन्स 1 इक्वल्स टू आ जाएगा a इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है और इसको मैंने इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले पुट x, तो x को हम सबसे पहले कितना पुट करेंगे, x को सबसे पहले हम पुट करते हैं 0। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो देखिए ये x 0 हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा, तो मीन्स ये पूरी टर्म्स 0 और ये भी 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट x को टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो 1 इक्वल्स टू, जब x को 0 रखा तो a 1 माइनस 0 मीन्स 1 और 1 प्लस 0 मीन्स 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अगेन पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो वी गेट, तो जब हम 1 रखेंगे तो उस कंडीशंस में देखिए क्या होगा, तो 1 रखने पे ये वाली टर्म्स हमारी 0 आ जाएगी और ये वाली टर्म्स भी 0 आ जाएगी, तो मीन्स इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि एल एच एस पार्ट हमारा 1 रहेगा और जब हमने x को 1 रखा है तो ये 0 ये 0, तो मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी। और कितनी आएगी, ये x को यहाँ पे 1 रखा हुआ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी हाफ। नेक्स्ट जब हम इक्वेशन सेकेंड में x प्लस टू माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो माइनस 1 कैसे निकला, अब हम 1 प्लस एक्स को 0 रखेंगे, तो जब हम 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो हम x प्लस टू माइनस 1 रखेंगे क्वेश्चन सेकंड पे, तो एल एच एस पार्ट तो हमारा 1 ही रहेगा, और जब हम x को माइनस 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 बनेगी और ये वाली टर्म 0 बनेगी, तो मीन्स जहाँ जहाँ पे 1 प्लस एक्स आएगा वो वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना बनेगा ये, c इंटू एक्स को माइनस 1 रखा है इंटू, जब आप यहाँ पे x को माइनस का 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ। तो यहाँ से देखिए हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब इन a b c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। ओके, तो जो हमने a b c की वैल्यू निकाली, अब हम उनको इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो जो 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये इक्वल टू आएगा किसके को आएगा, ए बाई एक्स, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो यानी 1 बाई एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू निकली थी हाफ, यानी हाफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू आई थी माइनस हाफ, ठीक है। तो माइनस हाफ मीन्स इसको माइनस कर देते हैं 2 1 प्लस एक्स। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मीन्स इसका करना है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है, और जो हमारी ये वाली टर्म है ये देखिए किसके को लगी, इसके को लगी, तो इसका मीन्स देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन मीन्स अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है।
कि प्लस में है तो इंटीग्रेशन सबके सेपरेट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x dx प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 - x) dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1+x। तो चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमें इसका करना था, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस हाफ 1/(1 - x)। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 - x अपॉन, क्योंकि x का कोफिशियंट यहाँ पे -1 है तो इसलिए आप -1 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है हमें माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x), तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हाफ 1/(1 + x) का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1+x और एक कांस्टेंट हमने ले लिया c। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस पे ये log x ये माइनस की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बन जाएगा माइनस का हाफ log 1 - x और ये माइनस का हाफ log 1+x + c। अब आप देखिए इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे आगे से 1/2 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करी ये ऐसा कुछ बन गया, और अब हम क्या करेंगे इस पूरे में से 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम 1/2 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा log x 2 log x माइनस log 1 - x, ठीक है, और माइनस का log 1+x + c। आप चाहे तो क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, बट जैसा आंसर स्क्रीन में दिया हुआ है अगर हमें एग्जैक्ट वैसा लाना है तो हमें ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी होती है, तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर। देन उसके बाद अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा log 1 - x प्लस log 1+x + c। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हाफ log x स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा log 1 - x * 1+x मीन्स 1 - x² + c। नेक्स्ट देखिए ये log a माइनस log b टाइप का बन रहा है, तो यानी जब log a माइनस log b होता है तब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log a माइनस log b दिया हुआ है तो ये हो जाएगा log a बाई बी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए log a माइनस log b, तो मीन्स log a x स्क्वायर अपॉन 1 - x² + c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि आंसर स्क्रीन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन करना है 1/√(x + a + √(x + b) का। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेंगे, जाएगी यहाँ पे इस प्लस प्लस साइन को रिप्लेस करके माइनस कर दीजिए, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा √(x + a + √(x + b). इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है √(x + a - √(x + b), तो ऊपर भी बन जाएगा √(x + a - √(x + b), ये पूरा dx। नेक्स्ट स्टेप इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, तो ये देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, ये हमारा अगर आप इसको a लेते हैं a + b और a - b यानी a² - b² तो a² - b², तो जब आप √(x + a) का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x + a, देन माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x + b, ऊपर आएगा √(x + a - √(x + b) dx इक्वल्स टू, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -x - b होगा, तो इस प्लस x से ये -x कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपॉन में बचेगा a - b, और ऊपर आएगा √(x + a - √(x + b) dx। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि a - b ये कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले लीजिए, तो जब आपने कांस्टेंट को बाहर ले लिया तो अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, √(x + a) dx और इंटीग्रेशन ऑफ √(x + b) dx।
क्योंकि यहाँ पे देखिए x के आगे मीन्स x का जो कोफिशियंट है केवल n सॉरी 1 दे रखा है, तो इसमें भी x का कोफिशियंट 1 है, तो यानी हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो डायरेक्ट हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x टू द पावर n dx का। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस a की पावर, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये x की पावर n प्लस 1 डिवाइड कर देंगे n प्लस 1 से। तो यहाँ पे x प्लस a की पावर हाफ है, तो यानी इसमें 1 का एडिशन। तो जब हाफ में आप 1 ऐड करोगे तो हाफ पे 1 ऐड होके आ जाएगा हमारा 3/2, तो 3/2 और डिवाइड भी करोगे किससे, 3/2 से। देन माइनस, तो x प्लस b की पावर हो जाएगा 3/2 और डिवाइड कर देंगे हम इसमें 3/2 से, और साथ में प्लस c एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब देखिए ये 3/2 ये कॉमन आएगा। अब इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 3/2 है, ये भी अपॉन में 3/2 है, यानी 3/2 कॉमन आ जाएगा। तो 1/3/2 हमने कॉमन ले लिया, और साथ पे है हमारा 1/a-b, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए जो 1/3/2 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो जब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2/3, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 1/(x√ax − x²), हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, कि हम यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं या फिर हम यहाँ से x स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे बाहर, तो वो कुछ रूट के फॉर्म में आएगा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, तो जब आप यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन लेंगे इस वाली टर्म से, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर कॉमन लेने पे a/(x−1) dx, और जब ये x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा x, और जब x की x से मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, देन उसके बाद a/(x−1) dx। अब देखिए ये 1/x टाइप का बन रहा है, और आपको पता है कि जब आप 1/x का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या बनता है, तो 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो बनता है माइनस का 1/x². तो मीन्स यहाँ से हमें हिंट मिल रही है कि अगर 1/x को हम टी लेंगे तो ये 1/x² टाइप की कुछ फॉर्म आ जाएगी। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसके बाद a/(x−1) इस पूरे को टी ले लेते हैं। तो जब हम देखें इस पूरे को टी लेंगे, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट होके क्या आएगा, a/(x) का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस a/(x²), 1 का 0 तो मीन्स dx, और t हो जाएगा हमारा dt। तो जो हमारा dx/(x²) है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जा सकता है dt/-a। तो हम लोग अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dx/(x²) इसको लिखा जा सकता है dt/-a, तो मीन्स -1/a कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अपॉन रूट a/(x−1), इसको क्या लिया हुआ है हमने, t लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यानी -1/a t की पावर ऊपर इसको ले जा लीजिए, तो ये बन जाएगा t^-½ dt = -a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t^-½ पे 1 का एडिशन करोगे और सेम इस पावर से डिवाइड कर दोगे प्लस c। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, प्लस का हाफ, और ये भी प्लस का हाफ, तो यानी ये आगे सॉल्व होके बन जाएगा -a × ये बन रहा है t^½ और डिवाइड हो रही है हाफ से प्लस c। इस 2 को ऊपर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का 2/a और t^½, और अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी, a/(x−1) इसकी पावर हाफ प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है 1/(x²)·x⁴+1 पूरे की पावर 3/4। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप हम इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें से x की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेना मींस जब हम इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं तो इसका मींस इसको भी x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे और इस 1 को भी x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे x की पावर 4 लिख लीजिए, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये बनेगा 1 और ये वाली टर्म्स बनेगी 1 अपॉन x टू द पावर 4 और इस कंप्लीट की पावर 3/4 और ये dx। नेक्स्ट स्टेप तो 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू, जब आप इस x की पावर 4 को बाहर लेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4, इसकी पावर हो जाएगा 3/4 और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, इसकी पावर दी है 3/4, ये dx। नेक्स्ट स्टेप इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा x क्यूब और जब x क्यूब की मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ में होगा तो ये बन जाएगा x की पावर 5 और साथ में गिवन है 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, इसकी पावर 3/4 dx। अब आप यहां पे देखिए कि जब आप 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 को t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 1 अपॉन x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन x टू द पावर 4 मींस x की पावर -4, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4 और x की पावर -5। तो x की पावर -5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर 5 dx, तो ये कॉस्ट हो गया dt के। तो मींस ये जो dx अपॉन x टू द पावर 5 बन रहा है इसको लिख सकते हैं हम लोग dt ओवर माइनस का 4। नेक्स्ट जब आप ये सारी वैल्यूज इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो dx अपॉन x टू द पावर 5, dx अपॉन x टू द पावर 5 को लिखना है dt ओवर -4, तो dt यहां पे आ गया और जो हमारा माइनस का 1/4 है कांस्टेंट वो हमने यहाँ लिख लिया। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, इसको लिखा हुआ है t, तो t की पावर बन जाएगा 3/4 माइनस का 1/4। नेक्स्ट अब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन t की पावर 3/4, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे t की पावर कितना है, ये t की पावर है माइनस का 3/4, तो इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, t की पावर -3/4 + 1 और -3/4 + 1 से आप डिवाइड कर दोगे प्लस ये कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट -4 एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा t की पावर 1/4 अपॉन ये भी बनेगा 1/4 प्लस सी, तो इस 1/4 से इस 1/4 को कट कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और t को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस सी कांस्टेंट, तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा।